हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीमलेस पाइप वर्सेस वेल्डेड पाइप, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं सीमलेस पाइप का वेल्डेड पाइप के साथ में। दोनों ही पाइप अपने आप में अलग अलग टाइप्स के पाइप हैं और इन दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी अलग है, एप्लीकेशन भी अलग है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सीमलेस पाइप को एक्सट्रूजन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हॉट रेड हॉट बिलेट को डायरेक्ट एक्सट्रूड किया जाता है और रोल किया जाता है। सीमलेस पाइप मेटल के एक सिंगल पीस से बना होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है और इसीलिए इसे सीमलेस कहा जाता है। वेल्डेड ज्वाइंट को ही सीम कहा जाता है, जबकि वेल्डेड पाइप को प्लेट को रोल करके फिर उसमें वेल्डिंग करके बनाया जाता है और उसी वेल्डिंग को सीम कहा जाता है। सीमलेस पाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी पूरी प्रोसेसिंग जो है वो कॉस्टली है, एक लंबा सेटअप लगता है। जबकि वेल्डेड, जो आपकी वेल्डेड पाइप है, वेल्डेड ट्यूब है, वो कंसिडरेबली बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेरिजन टू सीमलेस पाइप। इसीलिए सीमलेस पाइप जो है वो महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जबकि वेल्डेड पाइप लेस एक्सपेंसिव होते हैं। सीमलेस पाइप मेटल के सिंगल पीस से बना होता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और ये हाई प्रेशर फ्लूइड को हैंडल करने में सक्षम होता है। जबकि वेल्डेड पाइप में वेल्डेड ज्वाइंट होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है एज कंपेरिजन टू सीमलेस पाइप। तो ये एक काफी बड़ा इसका डिसएडवांटेज हो जाता है वेल्डेड पाइप का, और यही सीमलेस पाइप का बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा होती है। सीमलेस पाइप बिलेट को एक्सट्रूड करके बनाया जाता है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है उसे बनाने का, जबकि वेल्डेड पाइप अलग अलग तरीके के वेल्डिंग से बनाए जाते हैं, जैसे कि सबमर्ज आर्क वेल्डेड पाइप होता है, SAW, ERW इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप होता है, और EFW इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डेड पाइप होता है। तो वेल्डेड पाइप्स में और अंदर में अलग अलग वेराइटीज हैं और वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेल्डिंग के ऊपर, जबकि सीमलेस पाइप एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनते हैं। सीमलेस पाइप और वेल्डेड पाइप में अपीयरेंस का बहुत बड़ा फर्क होता है। आप डायरेक्टली देखकर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं, यानी कि आप किसी पाइप को देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा वेल्डेड पाइप है, कौन सा सीमलेस पाइप है। जो वेल्डेड पाइप होगा उसमें वेल्डिंग की मार्किंग होगी, या तो स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी या फिर स्पायरल डायरेक्शन में होगी। यहाँ राइट हैंड साइड में जैसे वेल्डेड पाइप दिख रहा है, एरो में आप देख सकते हैं ये इसका वेल्डिंग है और इसे ही सीम कहा जाता है। जबकि सीमलेस पाइप में कोई भी जॉइंट नहीं होता है, इसलिए आप कहीं से भी देखेंगे तो उसमें आपको कोई भी जॉइंट नहीं नजर आएगा। और ये हो गया इसका आखिरी कंपैरिजन, आखिरी डिफरेंस मेरी तरफ से। इन सब के अलावा अगर आप भी कुछ डिफरेंस जानते हैं सीमलेस पाइप और वेल्डेड पाइप में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड करते रहते हैं।